गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू स्टैंडर्ड सेकेंड। टेक इट आउट दिस इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इंग्लिश की ये टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें यूनिट 9 चैप्टर नंबर 2 द मैजिक पोरेज पॉट। पोरेज पहले क्या होता है वो पहले समझो। पोरेज जो आप खीर बनाते हो ना, जो हिंदी में हम को खीर बोलते हैं चावल से, उसको पोरेज बोलते हैं। मैजिक जादुई पोरेज पॉट, पॉट मतलब मटका, ऐसा कोई मैजिक मटका है जिसमें से पोरेज निकलता ही जा रहा है, उसकी ये पूरी स्टोरी है चैप्टर नंबर 2 में द मैजिक पोरेज पॉट। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी फिंगर्स पेज नंबर 148 पे रखो। तो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज लिटल गर्ल नेम तारा। एक दिन एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? तारा था। सी लिव्ड विथ हर मदर, दे वेर वेरी पुअर। वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी, पर वो बहुत पुअर फैमिली से थे, बहुत गरीब परिवार में से वो बच्ची बिलोंग्स करती थी। वंस डे शी वेंट टू फॉरेस्ट, देयर शी मीट एन ओल्ड वुमेन। एक दिन तारा है वो जंगल में जाती है और वहाँ पर एक बुढ़ी अम्मा से मिलती है। द ओल्ड वुमन गेव हर पॉट, सी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट। वो बुढ़ी अम्मा ने तारा को क्या दिया? एक बड़ा सा मटका दिया और क्या बोला कि ये मटका मैजिक है। इट विल कुक पोरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। द अम्मा ने बोला कि तुम जब तारा बोलोगी कि पॉट को ऐसे करो, बोलोगी कि कुक पॉट कुक, मतलब उसमें से कुछ खाना बनकर तुमको मिलेगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और जब तुम बोलोगी कि अभी स्टॉप हो जाओ, तभी वो उसमें से कुछ भी खाना नहीं बनेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी, शी रन टू हर मदर एंड सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। तारा बहुत खुश हो गई, वो अपनी मम्मी घर पर जाकर मम्मी को बोली कि मम्मी अभी हमको किसी भी दिन हमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो अभी मैजिक पॉट आ गया है, जो हमको खाना है वो उसमें बन जाएगा, मैजिक जादू हो जाएगा। तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक द पोरेज। तारा ने घर पर जाकर बोला कि कुक पॉट कुक, तो उसमें से क्या बन गया? पोरेज बन गया पोरेज। फिर तारा ने क्या बोला? कुक पॉट कुक, तो उसमें से पोरेज खीर बन गई पॉट में। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, बोथ हैड पोरेज। उसकी मम्मा भी बहुत खुश हो गई कि हमको कितने दिनों से खाना नहीं मिला है, तो इस पॉट ने तो एक चुटकी में मैजिक कर दिया और हमको पोरेज खाने को मिल गया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फ्लैट हंग्री। एक दिन क्या हुआ कि तारा बाहर गई थी और उसकी मम्मी को पीछे से बहुत भूख लगी थी। शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक, उसकी मम्मा ने भी बोला पॉट को कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरेज, और मटके में पोरेज बनना शुरू हो गया। After eating it, her mother said, "Do not cook pot." But the pot went on cooking. फिर क्या हुआ? उसकी मम्मा ने क्या बोला कि उसको अभी पोरेज नहीं चाहिए था, तो उसने पॉट को बोला कि कुक स्टॉप हो जाओ, डू नॉट कुक पॉट। तो डू नॉट कुक पॉट ऐसा नहीं बोलना था, उस बुढ़ी अम्मा ने क्या बोला था कि आप जब बोलोगे स्टॉप बाय स्टॉप, देन ओनली जो पोरेज का जो मटका है वो पकाना बंद कर देगा। पर उसकी मम्मा ने क्या बोला कि डू नॉट कुक पॉट, उसने अलग तरीके से बोला, तो भी पोरेज बंद ही नहीं हुआ, बनने में शुरू ही रहता गया, मटके में ज़्यादा से ज़्यादा खीर बनने शुरू हो गई। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, फिर क्या हुआ, सभी जो पोरेज है वो मटके से बाहर निकल कर फ्लोर पर गिरने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट डू नॉट कुक एनी मोर। मदर ने बोला वेट अभी तुम मत निकलो, तो भी मटका समझ ही नहीं रहा था, उसमें पोरेज बनता ही जा रहा था। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरेज फॉल्ड हर। सून देयर वॉज पोरेज एवरीवेयर, होल विलेज शो इट, देन रन टू ईट द पोरेज। पूरे गांव में सभी जगह पर पोरेज ही था, क्योंकि मटके में से तो पोरेज बनता ही जा रहा था, स्टॉप हो ही नहीं रहा था। स्टॉप करने के लिए उसने क्या बोला था? स्टॉप पॉट स्टॉप, पर उसकी मम्मा ने नहीं बोला था, तारा की मम्मा ने, तो वो क्या हुआ, स्टॉप हुआ ही नहीं, उसमें खीर पकती ही गई।
When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. जब तारा आई तो भी पता चला कि पूरे शहर पूरे गांव में सभी सड़कों पे पोरेज ही दिखाई दे रहा था. She ran home as fast as she could. She heard her mother shout. वो दौड़ने लगी और घर की तरफ दौड़ने लगी और उसकी मम्मी पे वो चिल्लाने लगी कि तुमने ये क्या कर दिया, उसमें से पोरेज कितना बनता ही जा रहा है. तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. तारा कुल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप कुकिंग पोरेज. फिर तारा ने जाकर मटके को बोला स्टॉप पॉट स्टॉप, तभी वो पोरेज बनना बंद हुआ. पर उसकी मम्मी को तो पता नहीं था, उसकी वजह से पूरे गांव में अपने घरों में सभी जगह पर पोरेज ही था. अभी ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ. उसके नीचे आपको न्यू वर्ड्स दिया है, वो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, सुनो. MAGIC मैजिक. COOK कुक. PORRIDGE पोरेज. SVILLING स्पेलिंग. WHOLE होल. VILLAGE विलेज. ओके, अभी पेज नंबर 150 निकालो, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमको आंसर उसमें आपको सामने लिखने हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड तारा गो वन डे. एक दिन तारा कहाँ गई थी बच्चों, टू अ फॉरेस्ट. तो आपको क्वेश्चन के सामने लिखना है टू अ फॉरेस्ट. फिर क्या है, वॉट डिड ओल्ड वुमन गिव तारा. बुढ़ी अम्मा ने तारा को क्या दिया, अ मैजिक पॉट. क्या दिया, अ मैजिक पॉट. फिर वॉट डिड मैजिक पॉट कुक. मैजिक पॉट में से क्या निकलता था, पोरेज. तो आपको वहां पर लिखना है पोरेज. फिर क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड डू नॉट कुक पॉट. ऐसे कौन बोला था डू नॉट कुक पॉट, मदर ने, मम्मी ने बोला था, तारा की जो मम्मा थी उसने बोला था डू नॉट कुक पॉट. तो आपको वहां पर लिखना है मदर. क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज देयर सो मच पोरेज ऑन द रोड. सभी जगह पर इतना सारा पोरेज क्यों था, बिकॉज अ मैजिक पॉट डिड नॉट स्टॉप कुकिंग द पोरेज एंड इट स्पिल्ड ऑल ओवर. क्योंकि पॉट में से पोरेज निकल ही जा रहा था, क्योंकि मम्मा ने उसको नहीं बोला था स्टॉप पॉट स्टॉप, उसकी वजह से वो शुरू ही रहता गया और पूरे शहर में तारा के घर में सभी जगह पर पोरेज ही था. फिर पेज नंबर 151 देखो, उसमें क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए एन एंड द. आपको उसमें द लगाना है. द कब लगाते हैं, जब भी कोई यूनिक चीज का नाम दिया हो उस ब्लैंक्स में क्या आता है, द. फिर एन कब आता है, जब भी वोवेल्स हो तभी एन आता है. जैसे कि ए ई आई ओ यू, वोवेल्स आए तो क्या लिखोगे ब्लैंक्स में, एन. जैसे कि एप्पल, तो एप्पल में वोवेल्स आता है ए, तो इस ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम, एन. फिर एलिफंट, तो एलिफंट में भी ई है, वोवेल्स में भी ई है, तो यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा, एन. ओके, फिर आइस, तो आइस में भी ई है तो वोवेल्स है तो एन. फिर आइस आइस, तो उसमें आई आता है यस, तो यहाँ पर एन. ऑरेंज, तो उसमें ओ आता है यस, तो राइट एन. और वोवेल्स के सिवा ये ए ई आई ओ यू ना नहीं हो तो सभी जगह पर क्या लिखोगे, ए. यूनिक चीज मतलब सन स्टार मून अर्थ, वो दुनिया में सब एक ही है, बहुत सारे नहीं है. स्टार आर सो मेनी बट दे आर यूनिक, तो यू हैव टू राइट द इन द ब्लैंक्स. ओके, फिर टर्न योर पेज नंबर 152 पे आपको क्या लिखना है, ऐसे आपको सभी नाम लेटर्स दिए हैं, के पी जे टी एम.
तो आपको के पे से आपको स्पेलिंग्स बनाने हैं। तो यहाँ पर के से क्या बनाओगे, कीप, की और क्नी। तो आपको सभी जगह पर दिख रहा है आपने के से शुरू किया हुआ है, तो वैसे आपको नीचे में पी से बनाना है। इस एक्सरसाइज को आपको पीडीएफ में से कंप्लीट करना है। फिर पेज नंबर 153 देखो, उसमें कितने सारे बलून्स दिए हुए हैं। सभी बलून्स के अलग अलग आपको कलर्स के नेम लिखने हैं, कौन सा बलून कौन से कलर का होगा। फ्रेंड्स बट यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ बलून टू हर डेकोरेट इन हर पार्टी, दिस बलून आर ऑफ योर फ्रेंडशिप बलून्स, चूज द नेम ऑफ ईच फ्रॉम अ बॉक्स एंड कलर देम। आप उसमें कलरिंग्स करो, बलून में अलग अलग तरीके से जो पसंद है वो कलरिंग्स कर सकते हो। फिर नीचे ब्लैंक्स दिया, नीचे बलून के पास ब्लैंक्स दिए हुए, ये बलून है ना, उसके पास ब्लैंक्स है, उस ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना है। नीचे येलो कलर के बॉक्स में आंसर्स दिए हुए हैं, उसको देखकर ऊपर लिखना है कौन सा बलून आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सा बलून आपके लिए ट्रूथफुल है, जो जो आंसर्स है वो आपको ब्लैंक्स में लिखना है। ओके, तो वैसे ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर यूनिट 9 चैप्टर नंबर 2 द मैजिक पोरेज पॉट, इस टेक्स्ट बुक में जो जो एक्सरसाइज है वो पीडीएफ में से आपको कंप्लीट करना है, और ये जो पूरा चैप्टर है आपको एक बार रीड करना है। थैंक यू।